हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ फिरोज साहब, सब खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बताइए भाई, आप कुछ फेसबुक पे मेरा नंबर मांग रहे थे। जी 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 हाँ, मैं अफू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। अच्छा अच्छा, आपने वो नंबर बंद ही किया था जो आपका नंबर मेरे पास था? हाँ भाई, मैं असल में वो नंबर था ना, उसमें मतलब बहुत ज्यादा पैकेज आ रहा था और नंबर पता नहीं लोगों ने मतलब वो सब हर जगह बांट दिया था, तो बहुत ज्यादा मतलब कोई आदमी रात को फोन कर रहा है, कोई साला रात को 2-2 बजे फोन कर रहा है, उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है, तो मैंने मतलब उसको चेंज कर दिया नंबर। अच्छा, जी बताइए एक बात बताइए कि आप गैर मनसूखा मसाइल में कितनी तकलीफ करते हैं? हाँ भाई, क्या चीज कह रहे हैं? मतलब गैर मनसूखा मसाइल जो होते हैं आप किसकी तकलीफ कर रहे हो? उसमें होती नहीं है ना तकलीफ, फिर क्या होती है? क्या होता है उसमें? उसमें इत्तिबा होती है। तकलीफ और इत्तिबा एक नहीं है? नहीं, अलग अलग है। कैसे अलग अलग? भाई जैसे भाई तौहीद का उल्टा होता है शिर्क, सुन्नत का उल्टा होता है बिदात, रात का उल्टा होता है दिन, वैसे ही इत्तिबा का उल्टा होता है तकलीद। और दोनों में जो फर्क है, इत्तिबा उस अमल का नाम है जो बादलील होता है और तकलीद उस अमल का नाम है जो बेदलील होती है, तो दोनों में दलील का फर्क है। किसने बोला आपको बेदलील? तकलीद किसने आपको बोला बेदलील? आपने तकलीद की तारीफ सुनी? अरे आपके हनफी जो उसूल की किताब है मुसल्लम सबूत, उसमें तारीफ साफ साफ मेरे भाई उतरी हुई है कि तकलीद उस अमल का नाम है कि भाई किसी भी गैर नबी की बात को भाई बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। तो तकलीद जो होती है वो हाँ वो बिना दलील के होती है। तकलीद की तारीफ असल में क्या है? ठीक है, मैं भी यही तारीफ करूँगा, और जो आप बोल रहे हैं असल में आप आधा ही बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? मैंने आधा ही बोला। नहीं, आधा नहीं है भाई, ये पूरी तारीफ है कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। हाँ मेरी सुनो, अब तकलीद की तारीफ मेरे से सुनना, ठीक है। मसाइल इज्तिहाद में गैर मुज्तहिद का ऐसे मुज्तहिद के मसाइल को बिला मुतालबा दलील, है ना? अरे ये झूठी तारीफ है ना। क्या झूठी तारीफ है? आपने कहा कि तारीफ आपके वहाँ तो अकीदे में भी तो मेरे भाई होती है तकलीद। तारीफ में आप खाली बता रहे हैं वो मसाइल गैर मनसूसा में होती है, लेकिन हकीकतन तो मेरे भाई अकीदे में भी होती है, मसले मसाइल में भी होती है, नमाज में भी होती है, मतलब हर चीज में तकलीद होती है। हाँ मेरी बात क्यों नहीं सुनते आप? तो आप झूठ ना बोलिए ना, ये झूठी तारीफ से भाई हमको आप ना मेरे भाई बेवकूफ बनाइए। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में फरमाया आमीन या रब्बुल आलमीन, ये बिल्कुल झूठी तारीफ है, क्योंकि जो सच्ची तारीफ है अकीदे में भी तकलीद होती है, नमाज में भी होती है, मसले मसाइल में भी होती है, और मनसूसा गैर मनसूसा सब में तकलीद होती है। क्या कह रहे हैं? नमाज में तकलीद नहीं करता है भाई? आप लोग अकीदे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की कहाँ तकलीद करते हैं? वो तो इमाम मातुर्दी की करते हैं, फला की करते हैं, ढमा की करते हैं, तो ये सब सिलसिले आप लोग के बने हुए हैं ना। अब जैसे आपके जो मेरे भाई बड़े भाई बरेलवी हैं, उनके वहाँ मतलब भाई वो चिश्ती हैं, कादरी हैं, सोहरवर्दी है, और मतलब वो क्या बोलते हैं गुनावर्दी है, तो सब अलग अलग अपने मानने वालों की मेरे भाई तकलीद करते हैं अकीदे में, और जबकि अकीदे में तकलीद होती नहीं है। तकलीद करते हैं ना, ठीक है ना? कौन करता है? जोर से बोलिए भाई थोड़ा। भाई आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, जोर से बोलिए थोड़ा। खाना नहीं खाया क्या? लोग सारे सुन रहे हैं। आपके माइक लगाऊं मैं इधर? आ रही आवाज साफ आ रही, बोलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ, आपको पता है हम किन मसाइल में इमाम साहब की तकलीफ कर रहे हैं? हर मसाइल में, किसी भी मसाइल में आप लोग इमाम साहब की भाई तकलीफ ही नहीं कर रहे हो। क्या भाई? किसी भी मसाइल में आप लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीफ ही नहीं कर रहे हो, बात तो ये है। इसी चीज का तो अफसोस है। ये कहाँ लिखा है? अरे लिखा नहीं है, आपका अमल है ना, तो ये क्या मेरे भाई कहीं लिखा होगा आपका अमल? आप हमें बता दीजिए कि आपने अपनी भाई पैदाइश से लेके आज तक आपने अपनी जिंदगी के कौन से मसले में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद की, एक मसला बताइए। हम मैक्सिमम मसाइल में इज्तिहादी जो मसाइल हैं तो हम तो ऐसा कौन सा मेरे भाई वो इज्तिहादी मसाइल आपकी मेरे भाई जिंदगी में पेश आ गया जिसमें आपने अपने ऊपर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद को थोप लिया, वाजिब कर लिया, एक मसला बताइए। अच्छा, जो इमाम जहर से अल्लाह अकबर करता है और मुक्तदी आहिस्ता करता है, ये कहाँ कुरान और हदीस में साबित है? ये अमल साहबा से भाई ये साबित है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो हाँ दिखा रहे हैं ना, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब इमाम कहे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन तो तुम आमीन कहो, अगर तुम्हारी आमीन फरिश्तों की आमीन से अगर मेरे भाई एक साथ हो जाएगी तो अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर देगा। तो उसमें क्या है, आप उसमें तकबीर साबित हुआ? क्या साबित हुआ उसमें? तकबीर-ए-तहरीम साबित हुआ। क्या बोल रहा है, क्या झूठी दलील दे रहा है मेरे भाई? अल्लाह के नबी की हदीस आप क्या पूछ रहे हो, पहले ठीक से पूछो मेरे भाई। सुनो 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 मेरी बात, उसने लिखा है मतलब जिसका मुक्तदियों के साथ मतलब फिरिश्तों के साथ आमीन मतलब मिला हो उसके तमाम गुनाह माफ होते हैं, ठीक है, उसकी मग़फ़िरत होती है। हाँ, पिछले गुनाह उसके माफ हो जाएंगे। खैर उसके आगे बताइए। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो इमाम साहब तकबीर तहरीमा जोर से करता है ना और मुक्तदी आहिस्ता करता है नमाज, तो क्या इसमें आपने अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तक़लीद कर ली? इन्हीं को कहते हैं इज्तिहादी मसाइल। तो इसमें तकलीद कहाँ आपने की? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का एक कॉल पेश कीजिए कि इमाम जोर से आमीन कहेगा, पीछे वाले मेरे भाई धीमे से आमीन कहेंगे। आप बताइए ना, तकलीद आप करेंगे तो आप मेरे भाई पढ़ के तकलीद करेंगे ना, या मेरे भाई बिना पढ़े तकलीद कर देंगे? आपको समझते भाई फिरोज, मेरे प्यारे भाई फिरोज देवबंदी साहब, आपका ये कहना है कि इमाम अल्लाहू अकबर जोर से कहे, इमाम के पीछे वाले धीमे से कहें, इसमें हमने तकलीद की। तो तकलीद आपने अपने इमाम साहब की ना, तो हमको बताइए ना कि आपके इमाम साहब का कॉल कौन सी मेरे पे किताब में है कि जो इमाम है वो अल्लाह अकबर जोर से कहेगा और पीछे वाले धीमे से कहेंगे? अच्छा, तुमने फतावा नहीं पढ़ी, कुदूरी नहीं पढ़ी, हिदायत नहीं पढ़ी? हमने सब पढ़ी है मेरे भाई, आपने कहाँ पढ़ा ये वाला कॉल? हमको तो कहीं नहीं मिला ये वाला कॉल मेरे भाई। कुदूरी है, ततरखानिया है, ठीक है, दुर्र-मुख्तार है, फताह आलमगिरी है, हिदाया है, फिकुल अकबर है। कौन सी किताब में आपने पढ़ा? सबू में। इसमें मुझे कोई शक है, तुमने सारी पढ़ी, पढ़ना आता है पहले ये बोल। अरे आपने पढ़ी है ना, तो दलील आप दीजिए ना, तकलीद आपने अपने इमाम की है या हमने की है? अरे सुनना मेरी बात मेरे लाल, हम भाई जो हमारे वहाँ इमाम साहब अल्लाह अकबर जोर से बोलते हैं और हम लोग आहिस्ता बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अमल सहाबा है। अल्लाह के नबी अल्लाह अकबर जोर से कहते, बुलंद आवाज से कहते, तो सहाबा उसको अल्लाह अकबर ही बोलते, लेकिन धीमे से बोलते। अरे नमाज-ए-नबी किताब पढ़ो, उसमें पूरी नमाज का तरीका है डिटेल के साथ। अब आप पढ़े लिखे कुछ हो नहीं, आपको दलील मिलती नहीं है, आप जबरदस्ती तकलीफ अपने ऊपर थोप लेते हो। हजरत है, हजरत कहाँ खो गए? आप रैश मत हो जाओ, रैश होने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। नहीं, हम ये भाई हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप पूरी तहकीक कीजिए, तमाम हदीसें आप पढ़िए, नमाज की जो मेरे पे किताबें उसको छानिए, उसके बाद तकलीफ कीजिए ना। अब आपने कभी जिंदगी में ना तो मेरे पे कुरान खोल के देखा, ना हदीस खोल के देखा, जबरदस्ती आपने मेरे पे तकलीफ कर ली, और आपको ये भी नहीं पता कि आपके इमाम साहब का इसके ऊपर फतवा क्या है। कुरान पढ़ना आता है? तुझे कुरान पढ़ना आता है? अरे मेरे को आता है कि नहीं आता, उसके जिम्मेदार आप थोड़ी ना है, आप अपने जिम्मेदार है ना। आपको पढ़ना आता है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना आता तो सीख के पढ़ो। गुमराह हो चुका, मेरे से तकलीफ की तारीफ नहीं सुनी, ठीक है, पहली बात तो ये। भाई तकलीफ की जो तारीफ आपने बताई है, ये आपके आलिम लोग भाई पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। मेरी बात सुनो, जो आपने कहा ना कि जिला मुतालबा दलील, ठीक है, मान लेना, मैं वही कह रहा हूँ। मसाइल इज्तिहाद में गैर मुजतहिद का ऐसे फिरोज देवबंदी साहब, मैं बहुत ही प्यार से आपसे पूछ रहा हूँ, आपने अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा मसला आपको पेश आ गया पर्सनली, ठीक है, ऐसा कौन सा मसला आपको पेश आ गया जिसमें आपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की भाई तकलीफ को अपने ऊपर थोप लिया? एक मसला बताइए। मैं आपको कह रहा हूँ तो मुझे इमाम से जहर साबित कर दो और मुक्तदिन का आहिस्ता साबित कर दो कुरान और हदीस। तो आप अपने इमाम से साबित करो ना, हम भी तकलीफ करना स्टार्ट करें। अरे बेवकूफ, तुमने बोला नहीं। अगर कुरान नहीं, माज़अल्लाह आपका जो एतराज है वो ये एतराज है कि कुरान हदीस से नमाज साबित ही नहीं है। बाद में आपकी इमाम साहब ने आके मतलब उसको साबित किया है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि साहबा ने जो हमारी नमाज पढ़े वो आधी अधूरी पढ़ के माज़अल्लाह भाई वो चले गए। बाद में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने आके उम्मत को बताया। आपके अक्ल नाम की चीज है कि नहीं? मतलब भाई तकलीफ साबित करने के लिए आप मेरे भाई नबी के दीन के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने खुतबे में कहा कि ऐ साहबा क्या मैंने तुम तक सारा दिन पहुँचा दिया? तो साहबा ने कहा कि हाँ पहुँचा दिया। अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ उंगली करके कहा अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने पहुंचा दिया। और आप कह रहे हो कि ये बाद में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने इज्तिहाद किया। अजीब पागल आदमी हो मेरे भाई। नमाज तो मुकम्मल है ना। तू दिखाना मुझे कहाँ लिखा है। आप दिखाइए ना अपने इमाम से। तकलीद आप कर तो भीख हमसे मांग रहे हो दलील में। अजीब पागल आदमी हो मेरे भाई। तूने बोला कौन सा मसाइल तेरे को पेश आया जिसकी तकलीफ की जरूरत। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको मसाइल पेश आया और आपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद कर ली। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि इमाम जोर से अल्लाहू अकबर कहेगा और पीछे वाले धीमे से बोलेंगे। ये कहा इमाम अबू हनीफा ने? अकबर नहीं होता है, अल्लाहू अकबर होता है। अरे अल्लाहू अकबर खुश। अब आप ये बता दीजिए कि इमाम अल्लाहू अकबर कहे जोर से, पीछे वाले कहे धीमे से, ये आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कब कहा? हाँ मैं बताता हूँ, पहले तू मुझे ये साबित करके दे दे। लो फिर भीख मांगना स्टार्ट कर दिया। यार आप लोग चप्पल जूता पहन के फोन करते हो क्या? जहाँ मैं सवाल करता हूँ मतलब एकदम भागम भाग स्टार्ट कर देते हो। आराम से चप्पल जूता उतार के बैठ के बात करो ना। ये तेरे वक्त की बात नहीं है, मेरे साथ बात करना तकलीफ। एक मिनट, थोड़ा मेरे भाई पीछे आइए, बैकग्राउंड में आइए। ठीक, थोड़ा बैकग्राउंड में आइए। मैंने आपसे पूछा कि फिरोज देवबंदी साहब आपने अपनी जिंदगी में कौन से मसले मसाइल में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की भाई तकलीफ अपने ऊपर थोप ली, वाजिब कर ली? तो आपने कहा कि मैंने इमाम अल्लाह अकबर बोलता है जोर से और पीछे वाले बोलते हैं भाई वो धीमे से, तो इस मसले में मैंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की भाई तकलीफ कर ली। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको किसने बताया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ऐसा करने के लिए कहा है? ये मुझे जानना है। जवाब सुन। एक होता है मसाइल, एक होता है। अरे वो मसाइल का चार्ट हमारे वहाँ रखा हुआ है, वो आप हमको ना बताइए। तू जवाब क्यों नहीं सुनता है? जवाब सुन लेना। अरे ये चार्ट हमारे वहाँ रखा है, हम डेली पढ़ते हैं। मनसूसा और मतलब वो गैर मनसूसा और मारिज और ये सब चार्ट हमारे पास है। आप ये बताओ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने किस किताब में कहा कि इमाम अल्लाहू अकबर जोर से बोले, पीछे वाले धीमे से बोले? मैं बताऊंगा ना इंशाल्लाह ताला। पहले नहीं, पहले बाद में ये सब भाई कंडीशन नहीं, सीधे बात करो, नो बकवास। So you are doing bakwas. You are doing much noisy. Yeah, baby, please, यार। यार ऐसे नहीं हो पाएगा यार। फिर मतलब हम सवाल कर रहे हैं चने का, तुम जवाब दे रहे हो मिली का, तो ऐसे बात कैसे बढ़ेगी यार? हाँ मेरी बात सुनो प्लीज यार। भाई दिस इज नॉट फेयर यार। भाई ये गलत चीज है। तो आप तो पहले बात सुन लेना भाई। आपने बोला आपको कौन सा थोपा पड़ गया कि आपने तकलीफ शुरू की? ठीक है, मैंने आपको बोला आपकी जिंदगी में भाई पर्सनली ऐसा कौन सा मसला पड़ गया जिसकी दलील आपको कुरान हदीस में नहीं मिली, तो मजबूरी में आपको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीफ करना पड़ गया? एक मसला बताइए। अरे मैं बोला ना इसको सबूत दे दो कुरान और हदीस से। अगर तुम वो आपको नहीं मिला तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे भाई क्या वो मौजूद नहीं है कुरान हदीस में? नहीं, ये चीज बताइए ये कौन सा उसूल है कि जो चीज आपको ना मिले मतलब वो कुरान हदीस में मौजूद ही नहीं है? ऐसा है मैं कह रहा हूँ। तो आप मैं मानूंगा, मैं तकलीफ छोड़ दूंगा, वल्लाह मैं कसम खाता हूँ रब्बे काबा की कसम। तो आप पहले हमें बताइए तो कि वाकई आप तकलीफ भाई कर भी रहे हैं कि नहीं? हमें भाई हमें यकीन कैसे होगा कि आप तकलीफ कर रहे हैं, क्योंकि आपके इमाम साहब ने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि इमाम जोर से अल्लाह अकबर कहें और पीछे वाले धीमे से कहें। ये आपके इमाम ने कहा ही नहीं, तो आपने किसकी बात की मेरे भाई तकलीफ की? उनकी किताबें इतनी पढ़ी है, उन्हें नहीं देखा ये किताबें भी। हमने सारी किताबें देखी, ये मसला आप हमें साबित कर दो, मैं 1000 रुपये आपको देने के लिए तैयार हूँ। पढ़ना उसकी जरा हिदायत की एक इबारत पढ़ना भाई, अभी एक नहीं मैं 150 पढ़ दूंगा, आप फोन काट के भाग जाओगे। मेरे को अरबिक में सुना इबारतें अभी आपको पढ़ना स्टार्ट करूंगा ना आपकी हनफी फिका की गंदी संदी, तो अभी आप कह दोगे लो टॉपिक चेंज ना करो। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का इस मसले पे कोई कौल ही मौजूद नहीं है दुनिया में कि इमाम जोर से अल्लाह अकबर कहे और पीछे वाले आहिस्ता से अल्लाह अकबर कहे, ऐसा कोई कौल ही मौजूद नहीं है। तो आपने भाई कौन से इमाम की तकलीफ कर ली? अरे बेवकूफ तू इतना झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे भाई साफ साफ दलील दे दो, मेरे मुँह पे तमाचा मार दो। की एक किताब पढ़ना भाई, हाथ तो बुरानकुम इन तुमकुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं तो अपना सबूत पेश कीजिए, आप साबित कीजिए कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने ऐसा करने को कहा और आपने उनकी तकलीफ की। इंशाअल्लाह ताला साबित करूंगा, कर लूंगा, ले लेना, दे दूंगा, ये सब मेरे भाई फालतू बकवास है। फटाफट जवाब दो मेरे भाई, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट? यस, क्या होता है? फुल एंड फाइनल करो मैटर यार, ऐसे तो बात मैं दे दूंगा, कर दूंगा, ले लेना, आ जाना, ये सब क्या मेरे भाई बच्चों वाली बातें हैं। बात होता है फुल एंड फाइनल, और क्या फुल एंड फाइनल। मेरे को मेरे भाई बता दो कि अफू भाई हमारे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने फला मतलब किताब में उनका कॉल है कि उन्होंने कहा है कि इमाम अल्लाह अकबर जोर से बोलेगा और उनके पीछे वाले धीमे से बोलेंगे, तो हम मान जाएंगे कि वाकई आपने वही तकलीफ की। एक मिनट रुक जा, दावत किसने किया कि तुम्हें कौन सा खोपा पड़ गया कि तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत पड़ी? हाँ तो मेरे भाई आपका दावा है ना कि आपने भाई तकलीफ की, तो हमको साबित तो कीजिए वाकई आपने की तकलीफ। हम यही तो साबित करना चाह रहे हैं कि आपने मेरे भाई तकलीफ की नहीं, आपने लोगों को जैसा करते हुए देखा वैसे आप करने लगे। आपको तो मालूम भी नहीं था कि ये हनफी मसलक का कोई मसला है या आपके इमाम का इससे कोई लेना देना है। आप तो बचपन जैसे नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपने कहाँ से तकलीफ कर ली? अरे बड़बू खान मैं बुरा हूँ तेरे को भाई, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ, तो इमाम साहब अल्लाह अकबर जोर से बोलते हैं, पीछे वाले धीमे से बोलते हैं, इसमें तकलीफ करने की कोई मेरे भाई जरूरत ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती तकलीफ आप कर रहे हैं। तो आप बताइए ना आपके इमाम ने भाई कहा ऐसा करने के लिए? लो मेरे भाई तकलीफ तुम कर रहे हो ना, हम कोई ना तकलीफ कर रहे हैं। मैं तकलीफ नहीं कर रहा हूँ, आपको कौन सी खोपा? मेरे पास तो मेरे भाई दलील है, नमाज-ए-नबी किताब है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी अल्लाह अकबर कहते, तो पीछे सहाबा भी अल्लाह अकबर कहते, ये तो दलील मेरे पास है। लेकिन आपको अपने इमाम के मसले में कील काल करने की आदत है ना, तो आप साबित कीजिए कि आपके इमाम ने ऐसा करने को कहा तो आपने किया। हाँ मेरी बात सुनो, आपने बोला कि आप साबित करो, है ना? हाँ तो आप ही साबित करोगे ना, या हमसे भीख में मांगोगे दलील? हदीस में है, आपने बोला कुरान और हदीस में है, तो तुम तकलीफ क्यों कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो हदीस दे दो तो मैं तकलीफ छोड़ दूंगा, अगर नहीं है तेरे पास भाई तकलीफ छोड़ेंगे तो भाई छोड़ेंगे तो तब ना जब आप मेरे भाई करेंगे तकलीफ। पहले तो आप साबित कीजिए कि आपने भाई तकलीफ की है। अजीब पागल आदमी है ये तो। वही बात हो गई कि हमको जवाब दे दीजिए तो हम दारू पीना छोड़ देंगे। भाई उसके लिए पहले आपको दारू पीनी तो पड़ेगी ना, उसके बाद छोड़ेंगे ना। खाली बड़बड़ है। लो मेरे भाई जब सही बात बोलते हैं तो आपके हजम नहीं होती। क्या जाहिल मुकल्लिदों की क्या आदत है मेरे भाई, तकलीफ साबित करने के लिए किसी भी हद तक मेरे भाई गिर सकते हैं। के नाम पे धोखा देने वालों उम्मत को ले मेरे भाई, अब बिना मुहर्रम के मतलब मातम स्टार्ट हो गया आपका। तो वो तो तेरा मातम हो गया। क्यों बेवा औरतों की तरह मातम करते हो मेरे भाई? देखिए आपका कहने का मकसद ये है कि अफू खान आप हमको कुरान हदीस से दलील दीजिए तो हम तकलीफ करना छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ पहले आप भाई तकलीफ कीजिए तो उसके बाद हम छुड़ाएंगे ना। आप तो कर ही नहीं रहे भाई। याले मसले में आपने किसकी तकलीफ की? कि मैं तकलीफ नहीं कर रहा हूँ। अगर तो तकलीफ नहीं कर रहा है इस मसले में, आपने तकलीफ की ही नहीं इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की। इसमें तो जैसे बचपन से आप पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं, इसमें तकलीफ करने की मेरे भाई आपने कहाँ से आपको अकल आ गई? अच्छा साबित करके कुरान और हदीस से। हम तो साबित करेंगे कुरान हदीस से, आप पहले साबित कीजिए कि आपने इस मसले में इमाम साहब की तकलीफ की। तूने अभी बोला सलात-ए-नबी में है, कहाँ है? कहाँ है मेरे भाई, खोल के देखोगे तब आपको दिखेगी ना। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में बयान फरमाया भाई, तकबीर तहरीमा का बाब खोलना, ठीक है, नमाज-ए-नबी किताब है। अरे सुनो मेरे भाई, नमाज-ए-नबी किताब है, तकबीर तहरीमा का बाब खोलना, उसमें जितनी भाई वो हदीसें आई उनको पढ़ लेना। सब में आया हुआ है कि अल्लाह के नबी जब भाई वो नमाज मतलब स्टार्ट करते तो दोनों हाथों को कांधों और कानों के बीच में उठाते और अल्लाह अकबर कहते, ठीक है, और पीछे जो साहबा होते वो भी अल्लाह अकबर कहते। अच्छा, अब आपने इसमें अपना कयास डाल दिया कि इमाम जोर से कह रहा है और पीछे वाले धीमे से कह रहे हैं, तो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने इसमें कयास किया, इज्तिहाद किया। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी किताब में उन्होंने ज्यादा कयास किया, इज्तिहाद किया? उसी चीज की तो मैं दलील आपसे मांग रहा हूँ इतनी देर से। तूने ये बोला ना, जब इमाम तकबीर करे फैजा तकबीर फकबीर, तुम भी तकबीर करो, ठीक है, जब इमाम तकबीर करेगा तुम भी तकबीर करो। हाँ, तो साहबा करते थे ना। हाँ, अब ये दिखा दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम जोर से करता है और मुक्तदी आहिस्ता करे। तो जोर और आहिस्ता का कयास तो आपने डाला है ना, तो आप इसको साबित करेंगे। अजीब पागल सवाल बना बना के पूछोगे क्या? हद हो गई मेरे भाई, हद हो गई भाई। तकलीद आप करते हो इस मसले में, जोर से या धीमे से, तो आप साबित करोगे ना कि आपके इमाम के आने से पहले दोनों लोग जोर से बोलते थे। भाई इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के पैदा होने से पहले क्या इमाम और उनके पीछे वाले दोनों लोग जोर से बोलते थे अल्लाह अकबर? नहीं, फिर वही चीज, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के पैदा होने से पहले उनके जो वालिद साहब थे वो जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ते थे तो इमाम के साथ अल्लाह अकबर जोर से बोलते थे या धीमे बोलते थे? फंसा फंसा भाई, तकलीफ के जाल में फंसा भाई। तकलीफ के जो ये करिश्मे होते हैं ना, कि बहुत करिश्मे हैं, इंसान को कुरान हदीस से खेलने पे मजबूर कर देते हैं। इसलिए मेरी आपसे मेरे भाई ये इल्तिजा है, ये जो तकलीफ के भाई जो करिश्मे हैं इसको मेरे भाई बंद कीजिए। आप ये मानिए कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप मेरे भाई, आपने किसी इमाम की तकलीद आज तक की नहीं, आप गैर मुकल्लिद हैं, आप गैर मुकल्लिद साबित हो गए। क्योंकि अगर आप मेरे भाई अगर हनफी मुकल्लिद होते तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का कॉल पेश करते कि मेरे इमाम ने कहा है कि जब इमाम जोर से अल्लाहू अकबर बोले तो पीछे वाले धीमे से बोलो, तो हम आपको मानते कि आपने अपने इमाम की भाई तकलीफ की है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित करके दूंगा, पहले तो मुझे अरे करके दूंगा, क्यों नहीं दे रहे हो इतनी देर से? भाई मेरे मुंह पे तमाचा मार दो ना, दलील देके। दावा आपका है ना, आपने कहा कि मैं इस मसले में तकलीफ करता हूँ, तो दलील आप दोगे ना? सुन लेना मेरे भाई, ऑडियो भी हम डालेंगे, इसको सब लोग सुन लेंगे। आपने दावा किया है कि मैंने इस मसले में तकलीफ किया, तो दलील आपको देना है कि आपने इस मसले में कैसे तकलीफ किया। भाई मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, मेरे से बात करने से जो मुकल्लिद होते हैं उनको टेंशन हो जाती है, उनका बीपी हाई हो जाता है। भाई देखिए, ये तो आप अपने भाई, ये तो आप अपने दिल को एक झूठी मेरे भाई तसल्ली दे रहे हैं। भाग गया, कौन भागता है वो तो मेरे भाई दुनिया जानती है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, मेरे प्यारे फिरोज देवबंदी साहब, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपसे छोटी सी चूक हो गई कि आपने आधी अधूरी तैयारी में आपने मेरे भाई मेरे को फोन कर दिया। मुझे जब भी फोन किया कीजिए ना तो पूरी तैयारी के साथ फोन किया कीजिए, वरना भाई आप जानते हैं मैं इतनी बड़ी मेरे भाई मछली हूँ कि आप ऐसे जाहिलों के तो हाथ में आने वाली नहीं हूँ, आप समझ रहे हैं। अरे दुआए कुनूत मेरे भाई तुम क्या करोगे ये बताओ? हाँ, क्या करोगे? अगर कोई वित्र की नमाज में दुआए कुनूत को अगर भाई वो ना पढ़े तो क्या उसकी होगी नहीं नमाज? ये बताओ। अनपढ़ है तो अपने आप को मुनाज़र कहता है। नहीं, अनपढ़ जाहिल की बात हटाओ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम जब फोन करते हो कहते हो ये सुनाओ वो सुनाओ, अभी कल को तुम कहते हो कि सूर्य फातिहा सुनाओ, फिर कहते हो कि सूर्य बकरा सुनाओ, फिर कहते हो कि सूर्य आल इमरान सुनाओ, तो क्या मैं पागल बैठा हुआ हूँ? जो बात करते हो बात से क्यों भागते हो? अभी तक नहीं साबित कर पाए कि आपने अपनी जिंदगी में इमाम साहब के कौन से फतवे पे अमल करके तकलीद अपने ऊपर वाजिब की। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कह रहा हूँ कि इमाम साहब जोर से अल्लाहू अकबर बोलते हैं, पीछे वाले धीमे से अल्लाहू अकबर बोलते हैं। ये अल्लाह के नबी के दौर से आज तक ऐसा होते आ रहा है, लेकिन इसमें जो कयास जो आजकल के हनफी मुकल्लिद हैं, उन्होंने इस छोटे से मसले को भी एकदम पेचीदा बना दिया कि इमाम जोर से अल्लाहू अकबर बोले, मुक्तदी धीमे से अल्लाहू अकबर बोले। इसको कुरान हदीस से साबित करो। अबे जाहिल आदमी जो चीज पहले से साबित है उसमें जबरदस्ती अपने इमाम के नाम को डाल के जबरदस्ती तकलीद उनकी वाजिब मेरे भाई काहे के लिए कर रहे हो? हाँ, लोग मेरे भाई जाहिल नहीं है, लेकिन तुम जाहिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की इज्जत करते हैं, क्योंकि मेरी जो भी ऑडियो अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं ना, वो सब इल्म वाले होते हैं, वो समझ जाएंगे कि आप मेरे भाई तकलीद कर ही नहीं रहे हो। अच्छा एक चीज बताइए, एक आदमी मेरे भाई शराब पीता है, ठीक, एक आदमी शराब पीता है और हमसे कह रहा है कि अप्पू भाई अगर आपने हमको ये कर दिया तो हम शराब पीना छोड़ देंगे, तभी तो वो हम करेंगे। अब जो आदमी शराब पीता ही नहीं है वो हमसे कह रहा है कि आप हमारे साथ ऐसा कर दो तो शराब पीना छोड़ देंगे, तो पहले उससे हम पूछेंगे ना कि मेरे भाई पहले तुमने शराब पी कब, पहले शराब पी कब, उसके बाद ही तो छोड़ोगे। इसी तरीके से मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आपने तकलीद भाई की कब भाई, जब आप तकलीद करोगे तभी तो छोड़ोगे। तेरे खिस्से में लिखा है शराब पाप है, जना जायज है, ये तुम्हें पढ़ा? अगर वाकई मेरे भाई सच्चे हनफी मुकल्लिद हो तो इसका हवाला दे दो जरा, कौन सी किताब में लिखा है? आज पूरी तरह से अरे हवाला दो ना, ऐसे हवा में बोल दे रहे हो कि तुम्हारे फिरके में मतलब वो फला जायज है, जिना जायज है, शराब जायज है, लड़की जायज है। अरे हवाला दोगे कि हवा में बोल दोगे? वो अपनी बड़बड़ की दुकान है, लोगों को गुमराह करता है। अरे दलील पेश करो, बुरहान पेश करो, ये हवाई फायरिंग करने से कोई फायदा नहीं है। क्या बुरहान पेश करो भाई? दलील किसको कहते हैं बताएं भाई? दलील इसको कहते हैं जो अब मैं देने जा रहा हूँ। आपकी दुर्र-मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 512 पे उतरा हुआ है कि रोजे की हालत में अगर कोई हाथों से मनी खारिज करे तो उसका रोजा फासिद नहीं। आपकी दुर्र-मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 115 पे उतरा हुआ है कि अगर कोई रोजे की हालत में छोटी बच्ची या मुर्दा औरत या जानवर से वटी कर ले तो उसका रोजा फासिद नहीं। आपकी दुर्र-मुख्तार जुल नंबर 1 सफा नंबर 598 पे उतरा हुआ है कि नाव के नीचे हाथ बांधने की तमाम हदीसें अइम्मा मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ हैं। इसको दलील कहते हैं। ऐसे हवा थोड़ी ना मेरे भाई। चलो ठीक है, तुम्हारा काम हो गया। अब ये साबित हो गया है कि हनफी मुकल्लिद वो तकलीद नहीं करते हैं, वो खुद को धोखा दे रहे हैं कि हम तकलीद करते हैं। तो तकलीद के जाल से बाहर मेरे भाई निकलिए, ठीक है, वरना तकलीद के मेरे भाई ये करिश्मे है ना, उसमें आप अटक जाएंगे। अस्सलाम वाला मनित्तबल हुदा।